फिलहाल तो जो हमारा टॉर्च लाइट था वो बिल्कुल खराब हो चुका है, तो उसका लाइट यहाँ उसको खोल देते हैं अभी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फिलहाल मुझे जगह मिल चुका है कैंपिंग के लिए, तो अभी मैं हूँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। ये जगह है आपका नामपोंग टू जयरामपुर के बीच पे। तो फिलहाल अपना टेंट बिल्कुल यहाँ रेडी, और इधर पास ही में एक घर है देखिए, तो इसी घर के किनारे मैंने टेंट लगाया। वैसे तो सबसे ज़्यादा इजी होता है हमें पेट्रोल पंप के सामने, सबसे ज़्यादा कैंपिंग के लिए जो इजी होता है वो पेट्रोल पंप के किनारे पे हर कोई दे देता है। ट्रेवलर जो हम लोग बाहर से जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि हाइकिंग करके आए कुछ भी, तो सबसे ईजी होता है। तो कुछ इस प्रकार है, थोड़ा मैं बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ टेंट। तो ये रहा पीछे अपना टेंट, और ये वो घर है यहाँ पे। और काफी देखिए रात हो चुका है, काफी अंधेकार। तो दिन में जो खाना होना काफी अच्छी तरीके से खा लिए थे, कुछ ज्यादा ही खा लिए थे मैंने खाना होना। कुछ परिवार लोग आए थे पिकनिक के लिए, तो उनके साथ मैंने भी ज्वाइन कर लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और खाना वाना खा के निकलते समय 4 बज चुका था, और साइड भी है रोड, यहाँ से गाड़ी वगैरह जा रही है। तो उसी रोड के साइड पे एक घर है, उसी के साइड में अपना जो कैंप है वो मैंने लगा लिया है। कम सामानों में हम ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये जगह कल मैं आपको दिखाऊंगा दिन पे। तो ही चेकिंग किया, एक भैया जी ने बाइक को रुकाया, और उसके बाद फिर भैया जी आए, बिल्कुल इधर ही पास ही में रहते भैया जी, और उन्होंने बताया कैंप कहीं भी लगा दीजिए, आप यहाँ लगा दीजिए। मतलब फिर मैंने देखा ये जगह थोड़ा सेफ है, रोड के इधर एक यहाँ पे एक घर है, उसके बैक साइड कुछ एक गैरेज जैसा बना है, बस उसके बाहर टेंट लगा दिए, और थोड़ा लाइट का सुविधा यहाँ पे मुझे मिला बिल्कुल। ये तो बेस्ट रहा ये जगह। तो अभी सोने का टाइम हो चुका है गाइस, लगभग अभी रात का 9:30 हो चुका है, तो अभी सोने का टाइम हो चुका है, अभी सो लेते हैं फटाफट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड। तो मिलते हैं कल सुबह। ये एक छोटा सा स्टैंड का बैग है, और ये अपना बैग है सब कुछ, और ये रहा मेरा मैट बिछा लिया है। तो आज काफी थक चुका हूँ मैं गाइस, तो सोते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह उठने में थोड़ा लेट। अरे आप तो इतना बारिश में सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं अंकल, मैं उठ गया। हाँ? उठ गया, उठ गया। अरे बारिश हुआ इतना, आप तो अंदर ही रात भर इससे गुजारा कर दिया। नहीं अंकल, कोई बात नहीं, इधर सो गए रात को, इधर मजा आ गया। अंदर में सुआ बोल गया, बाहर में सो गया आप तो। एक्चुअली क्या हो गया, मुझे अंकल ने बोला था कि घर के अंदर सो जाओ, बट मैंने मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैंने टेंट को क्या है, मैंने बाहर ही लगा दिया, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ अंकल कुछ भी, बट बारिश से पूरा मेरा टेंट पूरा गीला हो गया, देखिए पूरा भीग गया। वही तो, और अभी धीमी गति में बारिश भी हो रही है। तो अंकल लोग उठ गया ना अभी, गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ क्या? अरे भाई अंकल भी, अंकल सो के उठ गए, मुझे पता ही नहीं है। तो अंकल ने मुझे कल बताया था कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो घर के अंदर ही सो जाना, लेकिन मैं टेंट अपना जो टेंट है मैं हमेशा कैरी करके चलता हूँ, तो मैंने अपना जो टेंट है इधर ही बाहर ही लगा लिया। तो अभी टेंट पूरा गीला हो चुका है, बट अंदर पानी घुसा नहीं। भाई बोला कहाँ से आ गए आप तो? देखिए। अच्छा अच्छा, ये देखिए कहाँ से आ गए बोले। इधर ही सो गया रात को, अंकल ने बोला उधर सो जाओ भाई, नहीं टेंट का जो मजा है वो टेंट ही है, वाटरप्रूफ है, अंदर कुछ पानी वानी घुसता ही नहीं है। भाई आप इधर से है क्या, धर्मपुर से? अच्छा, और असली घर कहाँ है आपका भैया? बिहार से है क्या? अच्छा अच्छा, तो एक बिहार से भैया मिला जो अरुणाचल में है। तो अभी उड़ते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद टू बी कंटिन्यू। और अपना टेंट पूरा गीला हो चुका है पूरा। कल अंकल ने मुझे बोला भाई घर के अंदर ही सो जाओ, तो मैंने बोला नहीं अंकल टेंट तो है, मैं टेंट में सोता हूँ जी इधर ही। हाँ, पर पानी घुसा नहीं अंदर, बढ़िया अभी इसको है चेन बंद कर दे। एक आदमी, तीन आदमी भी रह सकते भैया। तो अभी फ्रेश होते हैं
कल अंकल ने बोला भाई अंदर ही सो जाओ, घर के अंदर रूम है अवेलेबल। कौच सर्फिंग करने का मौका दिया था अंकल ने, बट मेरे जो टेंट है देखिए बिल्कुल अंकल के घर के साइड में मैंने लगा दिया, क्योंकि अभी जो हम ट्रेवल कर रहे हैं हमारा जो नॉन स्टॉप ट्रेवल रहेगा, तो कहीं भी हमें ऐसा भी होता है ना कभी कभी घर पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब कहीं भी जाएंगे घर मिल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टेंट जिंदाबाद है, तो टेंट को लगा के बस रह जाना है। तो अभी रेगुलर बेसिस में अभी अपना जो टेंट है वो बरकरार रहेगा, कहीं कहीं काउच सर्फिंग कर लेता हूँ, फिर कहीं भी यहाँ पे भी काउच सर्फिंग मुझे करने का मौका मिला, काउच सर्फिंग एरिया यहाँ पे मुझे एक घर मिला, लेकिन फिर भी मैंने अपना टेंट बाहर ही लगाया। और कभी कभी हम काफ़ी लंबा ट्रेवल करने के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है काउच सर्फिंग वगैरह मिलना, कहीं रात भी हो जाता है, फिर कहीं काउच सर्फिंग नहीं मिलता, तब उस समय टेंट ही जिंदाबाद है। तो टेंट लगाया यहाँ पे, मतलब एक्चुअली अंकल ने बोला था कि भाई अंदर ही सो जाओ जगह है, फिर भी मैंने टेंट लगाया बाहर में और बारिश हो गई, तो अभी बारिश हो रहा है, मेरा टेंट बिल्कुल गीला हो चुका है ठीक है, और थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटरप्रूफ है, पानी बाहर ही बाहर, उसका जो पानी है वो अंदर जाता नहीं है, बाहर ही बाहर गिरता है, तो उधर ही रहेगा टेंट का। और ये अंकल का घर है इधर, अंकल ये अंकल जी है। अंकल कितना साल से है अरुणाचल में? ये 82 से है अंकल जी 1982 से अंकल यहाँ पे, और अपना जो काम है वही ड्राइवर ही आपका? अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं अपना, ऑन बिजनेस अपना, बहुत ही बढ़िया। तो अभी बढ़िया से फ्रेश होते हैं, रिक्स को उतार देते हैं अभी। मॉर्निंग जी एंड हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बिल्कुल नहा धोवा के फ्रेश अंकल के घर पे अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश चांगलांग जिला पे। फिर उसके बाद सुनने में आया कि एक यूट्यूबर जो बाहर से आ रहे ट्रेवल विच आरडी, उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, फिर इधर उधर घूमते अरुणाचल कुछ छोटा मोटा जगह की चेकिंग करते कुछ। यहाँ एक वर्ल्ड वॉर सेमेट्री मैंने सुना था यहाँ, और वहाँ पहले भी मैं गया था, एक यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक पार्क है वर्ल्ड वॉर सेमेट्री, और साथ में वहाँ एक बोटेनिकल गार्डन है। तो सबसे पहले अभी नाश्ता वास्ता करते हैं। तो टेंट जो है बिल्कुल घर के करीब, माने घर एक अंकल जी है यहाँ पे, उनके घर के साइड में मैंने लगा दिया अपना टेंट, और वन नाइट स्टे। फिर उसके बाद अभी फ्रेश वगैरह हो गया बढ़िया से, तो अभी नाश्ता करते हैं, आंटी जी ने क्या बनाया नाश्ता पे, तो उसके बाद फिर जो होता है ट्रेवल आगे का जो जर्नी है कंटिन्यू रहेगा। एक झारखंड से मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान मेरे लिए बहुत ही खास होता है, और जिनको घूमने में बहुत शौक है उनको मैं जरूर घुमाता हूँ। तो अब देखूंगा मैं उनको किस प्रकार से घुमाऊंगा, जो भी ये ट्रेवल हिस्ट्री मैं आपको दिखाते रहूंगा, और छोटा मोटा भी हिचहाइकिंग, मतलब मैं छोटा से छोटा भी हिचहाइकिंग करता हूँ। तो यहाँ एक वर्ल्ड वॉर सेमेट्री एक पार्क है, वहाँ पे जाने का प्लानिंग है, पहले उनको आने दीजिए, अभी तक वो आए नहीं पहुंचे नहीं है, वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनसे मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगा, अतिथि देव भाव। और अब जब उनको कैसा उनका घूमने का एक्सपीरियंस कैसा है उनके साथ मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो उनको थोड़ा बहुत घुमाते हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैं घर से निकला था और मेरा प्लानिंग था 1.5 से 2 महीने के बाद घर आना, तो इसी मौके में उनको भी घुमा दूंगा। उनका दूसरा स्टेट्स कहाँ रहेगा, मेरा प्लान क्या है, वो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो कल रात यहीं मैंने स्टे किया, बिल्कुल रास्ते के किनारे पे एक घर है, उसी घर के किनारे पे मैंने अपना टेंट लगाया, और अभी सुबह बढ़िया से नहा धो लिया गरम पानी से, बहुत ही अच्छा लगा। कते लल्ला फ्रेश व्रेश होके रेडी होके अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे। वाह इधर अपना नाश्ता रेडी है, फ्राइड राइस बहुत ही अच्छा, और इधर है लाई साग ये, और इधर है सब्जी, लोकल मुर्गी का अंडा है ना ये, और ये है लोकल मुर्गी का अंडा, और इधर है फ्राइड राइस, इधर है हरा भरा सब्जी। तो नाश्ता कर लेता हूँ मैं फटाफट, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ का सफर रहेगा। तो गाइस बैकपैक वगैरह हो चुका है अपना, पैकिंग वगैरह कंप्लीट, इधर अपना टेंट छोटा सा घर, और इस पर मेरा ट्रेवल वगैरह बहुत ही कम, और बहुत बार मैं गलती कर देता हूँ 2-3 बैग लेकर, तो इस पर छोटा सा बैग है, और ये
टेंट है, रात में जो ओढ़ने का जो सोल है और जैकेट और नीचे जो मैट है बिछा के सोने का, सब कुछ बैग पे है। बहुत ही छोटा साइज का लिया है क्योंकि दो लोगों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि बाई चांस कोई ट्रेवलर वगैरह मिल जाता है, कोई सोलो ट्रेवलर कोई भी है तो उनको मैं साथ में ले लेता हूँ, अपना दोस्त, कोई नया मेहमान, कोई नया दोस्त मिल जाता है कभी तो। इसलिए निकलने का वक्त हो चुका है यहाँ से, और यहाँ से करूँगा मैं हिचहाइकिंग अभी फिर से, और अभी जाऊँगा यहाँ से जरमपुर टाउन। जो मेहमान हमारे आने वाले हैं झारखंड का, पहुँचने वाले हैं, फिर उनको पिकअप करूँगा। हाँ, एक टांगसा ट्राइब लोगों का जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश चांगलांग में एक लोकल मार्केट लगता है, जो एक नया मार्केट बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। बहुत ही शानदार है, जबरदस्त, कुछ लोकल सब्जी वगैरह जो उन लोगों का ट्रेडिशनल सब्जी टांगसा लोगों का, ट्राइबल लोगों का जो उस मार्केट में लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रोक दिया, एक गाड़ी रोक दिया, फिलहाल गाड़ी को रोक दिया है, आइए फटाफट जाते हैं हमें। ये है गाड़ी, थैंक यू सो मच, यहाँ से अब सफर हमारा शुरू होगा।